दो डंडों की मार ही पर्याप्त है। जब कोमल त्वचा डंडों की मार से जलकर लाल हो जाएगी तो नारायण नाम अपने आप इनकी जिह्वा से लुप्त हो जाएगा। प्रभु प्रभु। महाराज, इस छोटे से फूल समान बालक को कहीं कुछ हो ना जाए, आप इस पर दया कीजिए। मैं इसकी माँ हूं ना, मैं इसे समझाऊंगी। आप माँ हैं तो मैं भी उसका शत्रु नहीं हूं महारानी, पिता हूं मैं, मुझे भी प्रेम है अपने पुत्र से। पर अब प्रेम से समझाने का समय बीत चुका है महारानी, बस एक ही आशा है कि उसे अपनी भूल का आभास शीघ्र ही हो जाए और मुझे उसे और भी कड़ा दंड देने के लिए विवश ना होना पड़े। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव है? राजकुमार हरि का नाम जप रहा है, अर्थात अब बहुत शीघ्र ही प्रभु कष्टों का निवारण करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सारे सैनिक भाग गए। ये अचानक मेरी पीड़ा समाप्त कैसे हो गई? मेरे घाव, मेरी पीड़ा भी समाप्त हो गई। मुझ में ये ऊर्जा कहां से आई? ये सब श्री नारायण का चमत्कार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इस चमत्कार के बाद तो हिरण्यकश्यप को अवश्य ही समझ आ गया होगा कि प्रभु विष्णु और उनके भक्त दोनों ही कितने शक्तिशाली हैं। जब व्यक्ति में अहंकार प्रवेश कर जाता है तो उसे अपनी भूल आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती, और उस भूल से सीख लेने के स्थान पर वो उससे भी बड़ा अपराध करने के लिए तत्पर हो जाता है। और हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम सभी की उत्पत्ति का कारण श्री विष्णु ही है। हम सभी की
हर श्वास उनकी कृपा से ही है। बस भी कीजिए महाराज, इतना मदिरा पान करना उचित नहीं। जब तक सैनिक आकर शुभ समाचार नहीं देते, मेरा मन व्याकुल ही रहेगा महारानी। महाराज, महाराज की जय हो। कारागार अधीक्षक, प्रहलाद को अधिक दंड तो नहीं देना पड़ा? अपनी भूल का पश्चाताप तो है ना उसे? महाराज वो कहाँ है मेरा पुत्र? कारागार अधीक्षक, वो ठीक तो है ना? वो पूरी तरह से स्वस्थ है महारानी, और वो ही नहीं, अन्य सभी ऋषि मुनि भी कुमार प्रहलाद के साथ अब उत्तम स्थिति में हैं। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? मैं बताता हूँ पिताजी। पुत्र, दंडों की चोट से अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये कारागार से बाहर कैसे आया? कारागार अधीक्षक, क्षमादान से पहले ये कारागार से बाहर कैसे आ गया? पर क्षमा तो उन्हें किया जाता है जिन्होंने अपराध किया हो, पर मैंने और कारागार में बंद ऋषि मुनियों ने कोई अपराध नहीं किया पिताजी। इसलिए नारायण ने हमें हमारे कष्टों से मुक्त कर दिया। फिर वही दुर्वचन, फिर वही शत्रु का नाम। असुरों में मायावी शक्तियां अर्जित करने का सामर्थ्य होता है। अवश्य तुमने भी कोई मायावी शक्ति प्राप्त कर ली है प्रहलाद, पर इससे तुम मुझसे और मेरे दंड से नहीं बच पाओगे प्रहलाद। सैनिक, इसे फिर से कारागार में लेकर चले जाओ। भोजन जल सब बंद कर दो इसका। कड़ी दृष्टि रखो इस पर। जब भूख लगेगी तो भक्ति अपने आप भूल जाएगा। पुत्र, तुम इतना कठिन दंड कैसे सहन कर पाओगे? पिताजी की आज्ञा क्यों नहीं मान लेते? अहंकार के वश में आकर पिताजी अनुचित कर रहे हैं माँ। बात तो इन्हें मेरी माननी चाहिए, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए। नारायण भक्त वत्सल हैं, पीड़ितों के रक्षक हैं। वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। रक्षक है, रक्षा करेगा। देखता हूँ कैसे करता है वो तुम्हारी रक्षा। कैसे खिलाता है वो तुम्हें भोजन। अब तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। सैनिक, ले जाओ इसे। जी महाराज। इसके हृदय से उस छलिए नारायण की भक्ति को मैं समाप्त करके ही रहूंगा। फिर क्या हुआ? प्रभु ने प्रहलाद को भोजन खिलाया? भगवान तो भक्त के दास होते हैं गुरु, और फिर सच्चे भक्त को प्रभु कोई भी कष्ट कैसे सहन करने दे सकते हैं? इधर कारागार में प्रहलाद भूखा था, और उधर महल में
लीलावती ने जल और भोजन सब कुछ त्याग कर दिया था। प्रभु की भूख ना सताए और मेरा मन आपके ध्यान से भटक ना पाए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। महारानी, भोजन ग्रहण कर लीजिए। भूखा है, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी, ना ही जल ग्रहण करूंगी। कम से कम शैया पर तो आ जाइए महारानी। पुत्र भूमि की कठोर शीत सहने पर विवश, तो मैं कोमल सैया में विश्राम कैसे कर सकती हूँ स्वामी? ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती प्रभु, कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, किंतु इनका कष्ट आप समाप्त कर दीजिए। कब से भूखे हो पुत्र? लो खाना खाओ। जब से मैं यहाँ आया हूँ आपने भी कुछ नहीं खाया है ना? पहले आप खाइए माँ। इतनी छोटी सी आयु में भी कितनी संवेदना है इसमें। प्रहलाद पुत्र, तुम ठीक हो ना? तुम्हें किसी ने अधिक दंड तो नहीं दिया ना? मैं ठीक हूँ माँ,
बस भूख सता रही है। आओ, चलो। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम् शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यार्य नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वानि दिव्यस्तवैदेह। तात, विष्णु तुम्हारे पिता के शत्रु हैं, उनकी भक्ति करना छोड़ दो पुत्र। कल प्रातः पिता से क्षमा मांग लेना, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर विष्णु के प्रति बहुत क्रोध है उनके मन में। मुझे भय है कि यदि तुमने उनका आदेश नहीं माना तो कहीं कुछ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पिताजी को मुक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब तक नारायण मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मुझे सुला दीजिए ना। आओ। प्रभु इतने महान है, वो स्वयं उन दोनों माँ और पुत्र को भोजन कराने चले आए। मैंने कहा था ना गुरु, भगवान भक्त के दास होते, वैसे भी पापी हो या धर्मात्मा, सभी का जन्म परमपिता से ही हुआ है, सभी उन्हीं की संतान है, इसलिए पापी का वध करते समय प्रभु को भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी अपनी संतान का वध करते हुए किसी साधारण व्यक्ति को होती होगी। यदि इस तथ्य को पापी समझ जाए तो उसी पल पाप करना छोड़ दे, पर वो तो अपने परम हितैषी भगवान को ही अपना परम शत्रु समझते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप समझ रहा था। पुत्र प्रहलाद, प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। रात भर भूखे रहकर बुद्धि ठीक हो गई, अब तो नारायण को भूलकर मेरी शरण में आओगे ना? पर मैं भूखा नहीं था पिताजी, माँ ने पेट भर भोजन करा दिया था। ये सत्य है महारानी? क्षमा कीजिए महाराज, पुत्र भूखा है ये जानकर भला कौन माँ रह सकती है। मैं जब ये हमारे शयन कक्ष में आकर इसने मुझे बोला कि इसे भूख लग रही है तो मैं शयन कक्ष में। पर माँ, आप यहाँ आई थी। प्रहलाद कह रहा है कि महारानी लीला उसे भोजन कराने कारागार में आई थी, और महारानी का कहना है कि प्रहलाद स्वयं हमारे कक्ष में आया था, ये कैसे संभव है? महारानी मुझसे असत्य भाषण कभी नहीं कर सकती,
अर्थात वो छलिया विष्णु ही कल भेष बदलकर यहाँ आया होगा। उस छलिया विष्णु का अस्तित्व मैं सृष्टि से मिटा के रहूंगा, फिर चाहे मुझे अपने पुत्र का बलिदान ही क्यों न देना पड़े।